नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने के लिए ई रूपी जो है वो इशू कर दिया है। ई रूपी जो है बेसिकली वो सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक पार्ट है। तो जैसा कि बार बार ये बोला जाता था, बार बार ये डिस्कस किया जाता था कि क्रिप्टो का क्या होगा जब सीबीडीसी या भारत सरकार अपना डिजिटल रुपया लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों, वो रुपया लॉन्च हो चुका है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 से भारत के 4 बड़े शहरों में ई रूपी की यानी कि सीबीडीसी की शुरुआत हो चुकी है। ये 4 बड़े शहर हैं दोस्तों, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और भुवनेश्वर। इन चार शहरों में ई रूपी जो है वो चलन में आ जाएगा। तो दोस्तों, ई रूपी जो है वो क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह एक अलग चीज है। उसका क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले दिन से बताता आया हूं, जब से सीबीडीसी की बात हुई है, कि ये क्रिप्टो करेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि बेसिकली ये रुपए का ही, उस फिएट करेंसी का ही एक डिजिटल वर्जन है। यानी कि अब ई रूपी में क्या होगा कि पहले जब नए नोट छापे जाते थे, अब उसकी जगह नए नोट जो हैं वो डिजिटली इशू किए जाएंगे। यानी कि पेपर करेंसी धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाएगी। तो इसमें 4 बड़े पार्टनर बैंक हैं, जिसमें SBI, यस बैंक, ICICI और IDFC फर्स्ट बैंक का नाम है, जो स्टार्टिंग में डिजिटल वॉलेट इशू करेंगे, जिसमें आप इन ई रूपीज को डाल पाएंगे। लेकिन ये क्रिप्टो की तरह टोटली डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे, ये रुपए की तरह टोटली सेंट्रलाइज्ड करेंसी होगी। यानी कि इसकी सप्लाई अनलिमिटेड होगी, जैसे कि फिएट करेंसी की होती है। यानी कि इसका ब्लॉकचेन टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। इसका मेन बेनिफिट सिर्फ ये होगा कि भारत सरकार को नोट छापने की कॉस्ट से छुट्टी मिल जाएगी, और आप लोगों को उन नोट को कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिजिटल वॉलेट में कैरी कर पाएंगे। लेकिन ये रुपया कहीं भी क्रिप्टो करेंसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल रुपए का डिजिटल वर्जन है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं आप लोगों को शुरू से बताता आया हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों, वो टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसका इन रुपयों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं इन रुपयों में जो कमियां थी या इन रुपयों में जो परेशानी थी, जैसा कि इन्फ्लेशन है या क्रोनीज बिजनेसमैन है या बैंकों का पैसा जो है वो लुट जाना है, ये सारी चीजें जब आम आदमी के पैसे को नुकसान देती हैं, तो उन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ था। तो ये ई रूपी दोस्तों कहीं भी उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है जिस प्रॉब्लम को क्रिप्टो करेंसी एड्रेस करती है। तो दोस्तों, ये था ई रुपया आपके लिए। जुड़े रहे हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।